झारखंड प्रदेश सहिया साथी संघ डुमरी प्रखंड इकाई की एक बैठक शुक्रवार को पंचायत भवन जामताड़ा के सभागार में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता सहिया साथी पार्वती देवी व संचालन दीपा देवी ने की। वहीं सर्वसंबंधी प्रखंड कमेटी का पुनर्गठन किया गया, जिसमें पार्वती देवी को अध्यक्ष, सरिता देवी व संध्या राज को उपाध्यक्ष, पुनीता देवी को सचिव, ललिता देवी व नाजिया खातून को उप सचिव, सुमित्रा देवी को प्रेस प्रवक्ता, गीता देवी को कोषाध्यक्ष, तबस्सुम खातून को उप कोषाध्यक्ष, ममता सिंह, पिंकी पंडित एवं हेमलता कुमारी को सोशल मीडिया प्रभारी, मंजुलता सिन्हा को संरक्षक व उर्मिला देवी को संयोजक बनाया गया। सभी पदाधिकारियों ने संघ के दायित्व का निर्वाह करने का संकल्प लिया। वहीं नवनियुक्त प्रखंड अध्यक्ष पार्वती देवी ने संगठन को क्लस्टर स्तर पर संगठन विस्तार कर कमेटी गठन करने की बात कही, ताकि संगठन को और सशक्त व धारदार बनाया जा सके। बैठक में आगामी कार्यक्रम पर चर्चा करते हुए सभी सहिया एवं सहिया साथी को संघर्ष में शामिल होने की अपील की। कहा कि राज्य सरकार को मांग पत्र सौंपा जाएगा, जिसमें सहिया को 18,000 रुपए एवं सहिया साथी को 24,000 रुपए मानदेय देने, सहिया एवं सहिया साथी को A&M की प्रशिक्षण देकर A&M की बहाली में 50% का आरक्षण व प्रावधान करने एवं सभी को अनुबंध कर्मी का दर्जा देने की मांग होगी। बताया कि संघ के आगामी कार्यक्रम रांची कुछ करना है, इस दौरान पूर्णिमा देवी, रामदुलारी देवी, पद्मावती देवी, यशोदा देवी, मनीषा देवी, पिंकी देवी आदि सैकड़ों सहिया उपस्थित थी। सहिया बहने बैठे हुए हैं, हम लोग 15 साल से काम कर रहे हैं, इसमें हम लोग को आज तक कोई मानवता नहीं मिला है। हम लोग प्रोत्साहन राशि पर काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग को 2,000 रुपया दिया जा रहा है, उसमें हम लोग को कुछ रोजी रोजगार चलने वाला है नहीं। इसीलिए हम लोग आज बैठे हैं डुमरी प्रखंड में, ताकि हम लोग को मानदेय दिया जाए और इसके लिए स्थायी किया जाए। हम लोग को जिस तरह दूसरे विभाग को मिल रहा है, उस तरह हम लोग को भी दिया जाए। पंडे सहिया सहिया साथी संघ डुमरी इकाई का बैठक किया गया है, क्योंकि हम लोग को आप जो बैठक किया उसका उद्देश्य क्या 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 मांग आपका सरकार से? सरकार से हम लोग को यही मांग है कि जिस तरह हम लोग को दुरुपयोग किया जा रहा है, इसके देखते हुए दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इसको देखते हुए आज हम लोग सभी सहिया बहने के साथ बैठक किए हैं, आगे के हम लोग रणनीति तय करने के लिए। क्योंकि सहिया इतना मेहनत करती है, हम सहिया को न्यूनतम मानदेय 18,000 होना चाहिए, सहिया साथी का 24,000 होना चाहिए। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती तो क्या की? उसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, उसके लिए और रणनीति तैयार करके आंदोलन करेंगे। यहाँ से नहीं होगा, जिला से नहीं होगा तो हम लोग रांची तक, रांची भी नहीं होगा, उससे हम लोग आगे भी जाएंगे, कदम पर कदम मिला के।